हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। बहुत दिनों से, एक लंबे टाइम से हमारे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आ रहा था कि पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग PDPT या PGPT कर लेने के बाद गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के लिए या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, ये बताइए, पूरा का पूरा प्रोसेस बताइए। साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे पर्सनली फ़ोन करके, व्हाट्सअप करके या मेरे कमेंट सेक्शन में पूछा है कि उनका एप्लीकेशन गवर्नमेंट सर्टिफिकेट का हो चाहे सेकंड क्लास मैनेजर का हो, कई बार रिजेक्ट हो गया है। तो उसका क्या कारण होता है कि आखिर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इस पूरे के पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे एक्सपीरियंस फॉर्म भरते हैं, कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसके कारण वो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, साथ ही साथ पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसके साथ में और क्या क्या अटैच करना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ते हैं, क्या फॉर्मेट होता है उनका, और हम लोग कैसे आखिर अप्लाई करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, क्योंकि कोल सेक्टर से रिलेटेड, मेटल सेक्टर से रिलेटेड और पावर सेक्टर से रिलेटेड जब भी कोई वैकेंसी अपडेट आएगी तो मैं उससे आपको अपडेट रखूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, और एक्सपीरियंस फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है इसका वीडियो आई बटन पे आ रहा होगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें होगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को सबसे पहले भरना है, और यहां पे आप देखिएगा कि ये जो फॉर्म है वो दो पेजेस का है, तो इसको आपको सेपरेटली नहीं निकालना है बल्कि एक पेजेस के पीछे ही दूसरा पेज को प्रिंट करना है, मतलब टू साइडेड प्रिंट आपको करवाना है। इसको जब आप भरिएगा तो इसमें जो बेसिक लोग गलती करते हैं वो इसमें बेसिक गलती ये करते हैं कि यहाँ पे देखिए जो मैनेजर का सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, इस जगह पे लोग सर्टिफिकेट नंबर मैनेजर का नहीं लिखा पाते हैं, ये एक बेसिक गलती करते हैं, लोग छूट जाता है उनका, क्योंकि मैनेजर साइन करने के बाद शायद सर्टिफिकेट नंबर इसमें लिखते हैं इसीलिए। इसी तरह से जो सेकेंड पेजेज है इसको आप फिल कर लीजिएगा, और भी कुछ कैंडिडेट जो गलतियां करते हैं वो करते हैं कि ये जो इस वाले फॉर्म को कोल माइंस में काम कर रहे हैं तो आपको ये वाला सेक्शन छोड़ देना है, अगर आप मेटल माइंस में काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाला सेक्शन है। और मैं कुछ कंडीशंस आपको बता देता हूँ कि कब कब आपका एक्सपीरियंस फॉर्म जो होगा, जिस माइंस में आपने ट्रेनिंग किया, वो वैलिड नहीं होगा। अगर आपने कोई कोल माइंस में काम किया है और कोल माइंस का एवरेज मंथली आउटपुट 1000 टन प्रति महीना या फिर 10000 मीटर क्यूब प्रति महीना से कम है तो आपका एक्सपीरियंस फॉर्म वैलिड नहीं होगा। यानी कि अगर अंडरग्राउंड माइंस है तो 1000 टन होना चाहिए, और अगर ओपन कास्ट माइंस है तो 10000 मीटर क्यूब पर मंथ। एक चीज़ गौर कीजिएगा, ओपन कास्ट माइंस में कोल का प्रोडक्शन से नहीं लिखा जाता। अगर कोल का प्रोडक्शन आपका माइंस में है तो आप कोल का प्रोडक्शन लिख सकते हैं, लेकिन कुछ माइंस में कुछ ऐसा होता है कि ओवरबर्डन रिमूवल का ही काम चल रहा होता है बीच में, तो उस कंडीशन में भी अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस वैलिड है, बशर्ते कि वहाँ पे आपको मटेरियल हैंडल्ड लिखना पड़ेगा कि कितना मटेरियल हैंडल किया गया था। तो यहाँ पे 10000 मीटर क्यूब प्रति महीना आपका एवरेज होना चाहिए, इससे कम होने पे मटेरियल हैंडल में आपका जो फॉर्म है वो वैलिड नहीं होगा। वही मैं मेटल माइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो मेटल माइंस में यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि अगर आप अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं तो कम से कम 60 पर्संस एम्प्लॉयड होने चाहिए माइंस में, और अगर आप ओपन कास्ट माइंस में करते हैं तो कम से कम 160 पर्सन जो है वो एम्प्लॉयड होने चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड नहीं है। इसमें कहीं भी प्रोडक्शन का जिक्र नहीं है, इसलिए मेटल माइंस में प्रोडक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि गोल्ड का माइंस है, यूरेनियम का माइंस है, इसमें प्रोडक्शन टन में नहीं किया जाता है। स्पेशल पर्संस कितने एम्प्लॉयड है, एवरेज डेली एम्प्लॉयमेंट, उसके हिसाब से इसका एक्सपीरियंस वैलिड और अनवैलिड होता है। इन सर्टिफिकेट सही तरीके से भर लेने के बाद आपको भरना पड़ेगा फॉर्म टू, चाहे आप सेकंड क्लास मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो या ओवरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हो या सर्वेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, अनरेस्ट्रिक्टेड हो या रेस्ट्रिक्टेड हो, इसके लिए एक ही फॉर्म है, वो है फॉर्म टू, यही आपको भरना है अगर आप एग्जेम्पशंस बेसिस पे आते हैं तो। एग्जामिनेशन के लिए अलग से फॉर्म है, एग्जेम्पशंस का मतलब होता है छूट, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा किया है और एक साल का PDPD करते हैं तो आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट डायरेक्टली मिल जाता है, उसके लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाता है, एक साल का एक्सपीरियंस के तौर पर आपको मिल जाता है, उसको बोला जाता है एग्जेम्पशंस यानी छूट। सेम सेकंड क्लास मैनेजर में भी होता है, अगर आप बीटेक किए हैं और एक साल का PGPT किए हुए हैं तो फिर आपको सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिस माइंस में आपने ट्रेनिंग किया है अनरेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड उस हिसाब से। तो ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, इसमें आपको बेसिक डिटेल अपनी भरनी है। बेसिक डिटेल भरने के बाद, बेसिक डिटेल आप अपना कोलियर से वेरीफाई करवा सकते हैं, उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट इनक्लोज करने होंगे, और
इस जो डॉक्यूमेंट इनक्लोज आप करेंगे वो ओरिजिनल भी करेंगे और उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी करेंगे। इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं जिसके कारण उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। इस चीज़ को आप बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले अगर आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर का एडमिट कार्ड, सेकेंड ईयर का एडमिट कार्ड, थर्ड ईयर का एडमिट कार्ड दे रहे हैं, बल्कि जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है और मार्कशीट के साथ जो पासिंग सर्टिफिकेट है, ये दोनों आपको देना पड़ेगा। माइग्रेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे आप डिग्री वाले हों चाहे डिप्लोमा वाले हों। ये चीज़ आपको ओरिजिनल भी देना पड़ेगा और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी जो ओरिजिनल कॉपी होगा उसका आप जेरेक्स कराएंगे और जेरेक्स कराने के बाद सिग्नेचर करेंगे उसमें, उसको भी आपको अटैच करना पड़ेगा। कैसे कैसे करना है मैं उसको डिटेल में आपको बताता हूँ। दूसरा, आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना है, यानी कि 10th क्लास का जो पासिंग सर्टिफिकेट है और रिजल्ट है। CBSE वाले में पासिंग और रिजल्ट सेम था, एक टाइम था उस टाइम, लेकिन अगर आपका अलग अलग है तो आपको अलग अलग जमा करना है। एडमिट कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड चीज़ जो आपको सबमिट करना है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सपीरियंस दिखाया था कि उसको कैसे भरना है, वो उसका एक कॉपी, ओरिजिनल कॉपी भी और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको जमा करना है। वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो आपका है, जो भी फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपका है, वो भी आपको ओरिजिनल ही जमा करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट से प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो मैं दिखाता हूँ मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या गलती आपको नहीं करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट जब भी आप बनवाएंगे तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, अक्सर ये जो सिग्नेचर है कैंडिडेट का वो छोड़ देते हैं। सबसे पहले ये आपको नहीं छोड़ना है, कैंडिडेट का सिग्नेचर आपको करना है। सेकंड, जो रजिस्ट्रेशन नंबर इस जगह पे जो कॉलम दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर का ये कॉलम आपसे नहीं छूटना चाहिए। इसमें MCI का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डॉक्टर को डालवाना है। उसके बाद जो मुहर मारते यानी कि जो सील वो मारते हैं यहाँ पे, उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और सिग्नेचर लिखवा लेना है। अगर उसमें नहीं लिखवाया तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपको लिखवा लेना है। कहीं कहीं की होता है कि यहाँ पे ऊपर में या नीचे में कहीं भी एक डिस्पैच का नंबर दे दिया जाता है, तो डिस्पैच नंबर अगर आपका नहीं भी है तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट पे मैं आता हूँ। बात आती है कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट किससे बनवा सकते हैं, तो कोल माइंस रेगुलेशन में ये दिया हुआ है कि कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बना के दे सकते हैं, बट बेहतर होगा अगर आप अपने मैनेजर से लेते हैं, और अगर मैनेजर से नहीं ले सकते हैं तो कोई भी गैजेटेड ऑफिसर से आप ले लें, वो आपका वैलिड है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में यहाँ पे जो पर्पस लिखा हुआ है ये आपको लिख देना है, सेकंड क्लास मैनेजर फॉर अप्लाइंग सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट या फॉर अप्लाइंग ओवरमैन सर्टिफिकेट। ब्रैकेट में आपको रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड भी आपको लिखना है, और यहाँ पे सिग्नेचर जो करेंगे वो जो भी इशूइंग अथॉरिटी हैं वो सिग्नेचर करेंगे, साथ ही साथ डेट भी डालेंगे, और यहाँ पे जो ऑफिशियल सील आप देख रहे हैं, ऑफिशियल मुहर जो देख रहे हैं, वो भी आपको लगवाना ही है। अगेन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में अगर आपका डिस्पैच नंबर नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट याद रखिएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपका होगा उसमें आपको डिस्पैच नंबर लेना ही लेना है। यानी PDPD जब आप किए हैं साल भर या PGPD किए हैं, उसके बाद जो माइंस एक्सपीरियंस मिलता है उसमें आपको डिस्पैच नंबर लेना ही लेना है, वो आप नहीं छोड़िएगा नहीं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। इन आपको यहाँ पे भरत को उसका डिटेल डाल देना है। एफिडेविट कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप जब एफिडेविट निकालेंगे तो एफिडेविट निकालेंगे साइट वेबसाइट DGMS का वेबसाइट से लेने के बाद, तो बहुत से लोग ये गलतियाँ करते हैं कि वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं एफिडेविट का फॉर्मेट, और उसी फॉर्मेट को प्रिंट यानी इसी सैंपल को यहाँ पे दिया हुआ है PDF, इसी का प्रिंट निकालते हैं और इसी में बनवा लेते हैं, नोटरी पब्लिक साइन करा लेते हैं, फर्स्ट गेजेटेड ऑफिसर या सेकंड क्लास गेजेटेड ऑफिसर से वो एफिडेविट बनवा लेते हैं। ऐसी गलती कभी भी भूल के ना करें, ये आपका रिजेक्ट करवा सकता है, क्योंकि यहाँ साफ साफ स्पेसिमेन लिखा हुआ है, यानी कि सैंपल, ये सिर्फ एक सैंपल है, आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ पे जैसा फॉर्मेट दिया हुआ है सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में आपको टाइप करा लेना है एक पेपर में, या फिर बहुत सारे नोटरी पब्लिक वाले इसका फॉर्मेट रखते हैं जिसमें स्पेसिमेन नहीं लिखा रहता है, तो आपको उसमें बनवाना है। तो जब भी आप सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए या ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, आप एक चीज़ गौर कर लेंगे कि यहाँ पे 4 पॉइंट वाला होना चाहिए, यानी कि ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, ये 4 पॉइंट वाला ही एफिडेविट होना चाहिए। 5 पॉइंट वाला गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन और बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी होता है, ये एग्जाम्स के लिए है। इसमें आपको जो नेम ऑफ कंपटेंसी सर्टिफिकेट लिखा गया है, इसमें आपको ओवरमैन रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट लिखना पड़ेगा, कॉमा देके CMR 2017, या फिर ओवरमैन अनरेस्ट्रिक्टेड सेकंड क्लास रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड CMR 2017 लिख के। और यहाँ पे जो डेट होता है, इसमें लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं, ये डेट और फॉर्म बी के नीचे में जो डेट मैंने बताया था वो दोनों डेट सेम होना चाहिए,
वो दोनों डेट एक ही रखने का आप कोशिश कीजिएगा। भरत कोष का या पोस्ट जिस दिन करते हैं वो दोनों डेट अगर अलग है तो चल जाएगा, बट फॉर्म बी का जो डेट है और ये एफिडेविट का जो डेट है ये डेट मतलब सेम ही रखिएगा तो अच्छा रहेगा। मैं इस डेट की बात कर रहा था, ये जो यहाँ पर डेट दिया हुआ है फॉर्म टू के नीचे, इस डेट को और एफिडेविट का जो डेट मैंने दिखाया वो दोनों डेट एक ही रखने का कोशिश कीजिएगा। दोनों अगर एक रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ तो आपको समझ में आ ही रही होंगी कि एक पासपोर्ट साइज का, दो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लेना है जिसके टॉप में नाम रहा होना चाहिए और उसको आपको वाइट पेपर में चिपका लेना है और उसमें अटेस्टेड करवा लेना है। अटेस्टेड आप उसमें खुद से नहीं करेंगे अपने फ़ोटो में, वो गेजेटेड ऑफिसर से करेंगे, मैनेजर से करेंगे या डॉक्टर से कराएंगे या फिर कोई भी गण्यमान्य व्यक्ति से ही आप उसमें सिग्नेचर करवाएंगे। आधार कार्ड का जेरेक्स ही आपको देना है और सेल्फ एड्रेस्ड A4 साइज़ का इन्वलप देना है, यानी A4 साइज़ का जो इन्वलप होगा उसमें खुद में आपको खुद का एड्रेस लिखना है, उसमें DGMS का एड्रेस नहीं लिखना है। और उसको एक बड़े से इन्वलप के अंदर में सारा डॉक्यूमेंट जो मैंने डाला है, जो यहाँ पे ओरिजिनल लिखा हुआ है उसको ओरिजिनल भी देना है, और जिसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लिखा हुआ है उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यानी जेरेक्स कराने के बाद आपको उसमें सिग्नेचर करके दे देना है। यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, भरत कोष में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि अटेस्टेड कॉपी चाहिए कि नहीं, स्लिप चाहिए कि नहीं, लेकिन भरत कोष आपको देना है। भरत कोष आप जब भी जमा करेंगे तो उसका एक प्रिंट निकाल लेंगे और उसका नीचे में सिग्नेचर करके आप दे सकते हैं। सिग्नेचर लिखा हुआ नहीं है चल जाता है, बिना सिग्नेचर वाला भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट भरत कोष का जेरेक्स आप ज़रूर जमा कीजिएगा नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लास्ट में लिखा हुआ एनी अदर डॉक्यूमेंट एज डीम्ड नेसेसरी इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन, अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट इस एप्लीकेशन के लिए सपोर्ट के लिए ज़रूरी है तो आपको उसको भी अटैच करना है लास्ट में, इसको सिग्नेचर वगैरह करके। ये चीज़ आपका सबसे ऊपर में रहेगा, यानी फॉर्म भी जो है वो सबसे टॉप में रहेगा आपका। उसके बाद ही जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ वैसे वैसे आपको अटैच करना है और एक बड़ा सा A4 साइज का इन्वलप लेना, उसमें डालने के बाद उस इन्वलप में आपको फॉर्म टू लिख के सेंड कर देना है DGMS को। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ ये है कि ब्लैक डायमंड में मैंने एक ज्वाइन बटन डाल दिया है। ज्वाइन बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ज्वाइन का ऑप्शन दे रहा होगा, इसमें आपको लॉयल्टी बैजेट मिलेगा, कुछ इमोजीज मिलेंगी, फोटो एंड स्टेटस अपडेट मिलेगा, मेंबर्स ओनली लाइव चैट मिलेगा, एक्सक्लूसिव मेंबर ओनली वीडियो, ये स्पेशल चीज़ है। इसमें स्पेशल जॉब एनालिसिस वीडियो फॉर कोल सेक्टर, मेटल सेक्टर एंड ऑल्सो फॉर पावर सेक्टर निकाला जाएगा, यानी कि जो पावर सेक्टर, कोल सेक्टर और मेटल सेक्टर में अलग अलग कंपनीज है उसमें कब कब वैकेंसीज आई थी, कब आने के चांसेस है, ये सब चीज़ें मैं इसमें एक एक वीडियो बना के डालूंगा मैं, यानी मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस आएंगी जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेंगी। जो भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी जॉब लेना चाहते हैं कोल सेक्टर में, मेटल सेक्टर में और पावर सेक्टर में, उनके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो जॉब एनालिसिस सेक्शन की वीडियोस देखने के लिए ये मेंबरशिप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मेंबरशिप नहीं लेते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोल सेक्टर, मेटल सेक्टर, पावर सेक्टर से रिलेटेड जो भी वैकेंसी से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड अपडेट वगैरह, जो भी एकेडमिक, माइनिंग एकेडमी की वीडियो, गैस टेस्टिंग की वीडियो जैसी आती है वो आती ही रहेंगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके पास ये एक ऑप्शन है कि आप ज्वाइन बटन में जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत से लोग मुझे बहुत लंबे टाइम से बोल रहे थे कि मैं जब भी कोई वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो डालता था तो मैं उसका PDF नहीं डाल पाता था, तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम का चैनल बनाया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको जितनी भी PDF होती है, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो, चाहे वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे कोई नोटिस हो, चाहे फोटोज़ हो, वो चीज़ मैं वहां पे शेयर करूंगा आपके साथ। लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग पावर सेक्टर से कोल सेक्टर या मेटल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं या न्यूज़ देखना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं इन चीज़ों से, या माइनिंग से रिलेटेड वैकेडमिक वीडियो देखना चाहते हैं, गेस्ट टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।